तक देखते रहिए गुनाहों की दस्तक। बज रहा है योगी का डंका, यूपी बन गया है लंका। जहां हर बार कोई ना कोई रावण सीता हरण करता है, लेकिन बदकिस्मती उसे बचाने के लिए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए कोई राम नहीं आता है। हिंदू धर्म संत समागम की बात कहते नहीं थकते योगी आदित्यनाथ, लेकिन उनके ही राज में बेटियों पर गिर रही है दरिंदगी की गाज। महापंडित ज्ञानी होने की बात योगी आदित्यनाथ के लिए कही जाती है, लेकिन शायद हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार रात को नहीं किया जाता, इस बात से अनजान है योगी जी। बिना परिजनों की अनुमति के इनके पुलिस रातों रात मासूम का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन बदकिस्मती इतनी उस मासूम के परिजनों की कि ऐसे करने वाले पुलिस को भी संरक्षण दिया जाता है। जब रातों रात नोटबंदी हो सकती है, सरकार बन सकती है, तो रातों रात ऐसा करने वाले को फांसी क्यों नहीं हो सकती? क्यों ऐसे जबरदस्ती अंतिम संस्कार कराने वाले पुलिस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती? क्या यही है योगी का राज, जहां मासूमों पर हो रहे अत्याचार की कोई सुनवाई नहीं? राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के पीछे क्या है पूरा मास्टरमाइंड? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली से काफिले के साथ निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर गिरफ्तार कर लिया। राहुल ने पुलिस की इस कार्रवाई का जोरदार विरोध किया और पूछा कि आखिर उन्हें कानून के किस धारा के तहत हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस वाले ने भी राहुल को इस सवाल का जवाब दिया। इससे पहले राहुल गांधी की पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प हो गई। राहुल ने कहा कि पुलिस ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। राहुल गांधी पुलिस के साथ नोकझोंक के बाद आक्रोशित हो गया और उन्होंने मीडिया के सामने पुलिस पर कई सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों से अकेले जाने देने की अपील की, लेकिन पुलिस ने उनका यह आग्रह भी नहीं माना। इतना ही नहीं, मीडिया के साथ भी एसपी का रवैया काफी शर्मनाक था। राहुल गांधी ने कहा कि अकेले आदमी पर धारा 144 तो लागू नहीं होती। राहुल ने कहा कि वह पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। राहुल ने कहा, देखो पुलिस ने कैसे मुझे धक्का दिया, मुझ पर लाठी चार्ज किया और जमीन पर गिरा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में सिर्फ मोदी जी ही घूम सकते हैं? क्या आम आदमी कहीं आ जा नहीं सकता? उन्होंने आगे कहा, हमारी गाड़ी रोक दी गई, इसलिए हम पैदल चलने लगे। बिल्कुल, अपने दर्शकों को एक बार फिर हम वो तस्वीरें दिखा दे जब राहुल गांधी वहां से निकल रहे थे। हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर आप प्लीज, हम आपको अभी डिटेल करते हैं। एग्जैक्टली, जो भी चीजें होंगी, जो वायलेशन हुआ उसका तो एक्ट लगने ही लगेगा। अभी हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। अभी अभी देख रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है। ये गलत है, ये आना इधर गलत। किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ। लाठीचार्ज की भी 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार। ये मुझे बताइए क्या है? एक सर, मैं बता रहा हूँ सर, 188 समझाइए क्या है? एनी लॉ व्हिच हैज, कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ है? जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ, मुझे ये तो बता दो। भाई मुझे ठीक से, गुनाहों की दस्तक में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपके आसपास भी घटती है अपराधों की घटना तो तुरंत कीजिए हमसे संपर्क, हम त्वरितता से दिखाएंगे आपकी खबरों को। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूले IDP24 न्यूज़।